करने वाले हैं। सदैव का मतलब होता है हमेशा, पुर तो सामने, चरणम कदम निधेहि रखो, हमेशा सामने कदम रखो, इसका मतलब ये हुआ सदैव हमेशा, पुर तो सामने, चरणम कदम निधेहि रखो। बहुत ही अच्छी बात है, एकदम प्रोग्रेस के विषय में ये चैप्टर है। प्रश्न संख्या 1 है, क्या अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए प्रश्ना नाम प्रश्नों की उत्तराणी उत्तर एक पदेन एक पद से लिखत लिखी। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखी। कै क्वेश्चन क्या है, सबकियम अपना साधनम साधन, किम भवति क्या होता है, अपना साधन क्या होता है, तो इसका उत्तर है बलम। अपना साधन साधन क्या होता है, बल। हमारे पास में बल है, शक्ति है, तो हम उस बल और शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। खै पथी रास्ते में, के क्या, विषमा का मतलब उबड़ खाबड़ प्रखरा और नुकीले है, रास्ते में क्या ऊंचे नीचे और नुकीले हैं, तो आंसर होगा हमारा पाषाणा का मतलब होता है पत्थर। रास्ते में पत्थर ऊंचे नीचे और उबड़ खाबड़ है। गे सततम निरंतर, किम क्या करणीयम करना चाहिए, निरंतर क्या करना चाहिए, तो आंसर है ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरण करना चाहिए, अपने जो गोल है उसको याद करना चाहिए। खे एतस्य गीतस्य, इस गीत का रचयिता के, रचयिता कौन है, इस गीत को लिखने वाला रचना करने वाला कौन है, तो आंसर है श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। इस गीत का रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ने से किदृश्य कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना गया है, तो यहां पर आंसर राष्ट्रवादी कवि। कैसा कवि है, राष्ट्रवादी कवि। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषाते क्रियापदानी चित्वा, मंजूषा से क्रियापद सुन करके रिक्त स्थानानि पूरियत, रिक्त स्थान भरी। नंबर 1 है, क्या कि त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय, यहां जाएगा चल, तुम विद्यालय चलो। खे है राष्ट्रे, राष्ट्र के प्रति अनुरक्तिम प्रेम विदेही रखो, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, ये हो गया। नेक्स्ट है मह्यम, मह्यम जलम, मुझे जल देही दीजिए, मुझे जल दो। घे मूड मूर्ख, धनागम तृष्णा, धनाने की तृष्णा को क्या करें, जही ही का मतलब त्याग दो छोड़ दो। फिर है गोविंदम, तो इसके पहले क्या आएगा, भज, भज गोविंदम। फिर नेक्स्ट है सततम निरंतर ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरण करो, करो निरंतर ध्येय स्मरण करो। उदाहरण के रूप में दिया गया त्वम तुम, पुरते का मतलब सामने, चरणम कदम निधि रखो, तुम सामने चरण रखो। एक बार फिर त्वम विद्यालयम चल, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, मह्यम जलम देही, मूड जहीहि, धनागम तृष्णा, भज गोविंदम और सततम ध्येय स्मरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखा, जो उचित है उसके सामने आम, अनुचित है उसके सामने न। पुरते सामने चरणम चरण निधि रखो, आम एकदम करेक्ट है। निज निकेतनम अपना घर, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर अस्ति है, आम, आम नहीं होगा यहां पर, न होगा, हमारा घर पर्वत की चोटी पर है तो यहां पर आम नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, न होगा, हमारा घर पर्वत की चोटी पर है कहने का मतलब नहीं है, हमारा घर पर्वत की चोटी पर नहीं है,
तो यहां पर आंसर क्या होगा? न होगा। ठीक है, क्या होगा? न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवकीयं बलम अपना बल बाधकं भवति, बाधक होता है, अपना बल बाधक होता है, तो इसका आंसर भी न होगा। हमारा बल बाधक नहीं होता है, इसका आंसर भी न। ठीक है, नेक्स्ट है। पथी रास्ते में हिंसा हिंसक पशुए पशु न संति नहीं है, तो इसका आंसर भी न। गमनम जाना सुकरम अस्ति, सरल है, ये भी न। सदैव अग्रे चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, इसका आंसर है आम, एकदम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है। आ वाक्य रचनया, वाक्य रचना से अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना से अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। परिते का मतलब होता है चारों ओर। आंसर देखिए, यहां पर परिते है, इसके पहले द्वितीय विभक्ति आएगी, ग्रामम परिते, गांव के चारों तरफ वृक्षा सन्ति, वृक्ष हैं। और इसी की तरह है पुरते, पुरते का मतलब सामने, तो विद्यालय से विद्यालय के पुरते सामने उद्यानम अस्ति, बगीचा है, पुरते का मतलब सामने, विद्यालय के सामने बगीचा है। नगे का मतलब पर्वत, हिमालय सर्वश्रेष्ठ है, नगे वर्तते, हिमालय सर्वश्रेष्ठ पर्वत है। नागे सर्व, नागे भयंकर है, भवती नाग भयंकर होता है। आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना, प्रधान अध्यापक है, प्रातः काले ध्वजारोहणम करोति, प्रधानाध्यापक सुबह ध्वजारोहण करते हैं। अवरोहणम का मतलब उतरना, सायंकाले ध्वजस्य अवरोहणम भवति, शाम के समय ध्वज का अवरोहण होता है। विषमा असामान्य, मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति, रास्ते में असामान्य पत्थर हैं। समा सामान्य, सज्जना सर्वदा समा भवन्ति, सज्जन हमेशा सामान्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषाते अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से अव्यय पद सुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, विद्यालय से विद्यालय के एकम उद्यानम अस्ति, एक बगीचा है, कहाँ है? पुरते सामने, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम सत्य जयेद, जय जीत होती है, तो यहां पर करेंगे आप एव, सत्यम एव जयेद, सत्य की जीत होती है। किम भवान, क्या आपने स्नानम कृतवान, स्नान किया, तो यहां पर आएगा खलु, क्या आएगा? खलु, क्या निश्चय आपने स्नान किया। घे से यथा चिंतयति, वह जैसे सोचता है, तथा वैसा आचरती, आचरण करता है। ठीक है, ग्रामम, गांव के वृक्षा संति, वृक्ष हैं, कहां? परितः चारों ओर, यहां का आंसर क्या होगा? ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। विद्याम जीवनम वृथा, तो यहां पर होगा विना, विद्याम बिना, विद्या के बिना जीवनम वृथा, जीवन बेकार है। भगवंतम भज, भगवान को भजो, कब? सदा, हमेशा, तो यहां पर आ गया सदा। एक बार फिर देखेंगे, विद्यालय से पुरते एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम एव जयेते, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, से यथा चिंतयति तथा आचरति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यां विना जीवनं वृथा, सदैव सदा भगवंतं भज। प्रश्न संख्या 5, विलोम पदानि योज्य, पुरते का मतलब सामने और पृष्ठते मीन्स पीछे, सवकीयम अपना, परिकीयम मीन्स पराय,
भीति का मतलब डर और साहस है का मतलब साहस हिम्मत, अनुरक्ति प्रेम और इसका अपोजिट होगा विरक्ति, प्रेम नहीं होना, गमनम जाना और आगमनम आना। नंबर 17, लट लकार पदेभ्य, लट लकार पदों से लूट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार पद से लोट लकार और विधि लिंग पदों का निर्माण करें, ये कह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये लट लकार है, लट लकार में है, ये लोट लकार में है और ये विधि लिंग लकार में है। जिसे पठती है प्रथम पुरुष एकवचन, लोट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन पठतु होगा और विधि लिंग में पठित। खेल सी मध्यम पुरुष एकवचन और इधर खेल और इधर खेले। खादंती प्रथम पुरुष बहुवचनम, यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन खादंतु, प्रथम पुरुष बहुवचन खादेव। पिबामि उत्तम पुरुष एकवचन, पिबानी उत्तम पुरुष एकवचन, पिबेयम उत्तम पुरुष एकवचन। हसत प्रथम पुरुष द्विवचन, हसेताम प्रथम पुरुष द्विवचन, हसीतम प्रथम पुरुष द्विवचन। नयामह उत्तम बहुवचन, नयामह उत्तम बहुवचन और यहां पर भी नयाम होगा, ये भी उत्तम बहुवचन और यहां पर नये मैं, नयेम होगा उत्तम बहुवचन। तो यहां पर जो मैं है साथियों, क्या मैं, तो इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा नयाम, क्या हो जाएगा नयाम, और यहां पर हो जाएगा नये, क्या हो जाएगा नये। ठीक है, ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारे परिवर्तयत्, नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। यहां पर यथा जैसे गिरी शिखर है, गिरी शिखर है, सप्तमी एकवचन में गिरी शिखरे हो जाएगा, जैसे बाल के। पथिन सप्तमी एकवचन में होगा पथी। राष्ट्र चतुर्थी एकवचन में होगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एकवचन में पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचने यानानि। शक्ति प्रथमा एकवचने शक्ति। और पशु सप्तमी बहुवचने पशुषु। इस प्रकार से हमारे आंसर होंगे। धन्यवाद।